सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। अफसरों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं, धार्मिक स्थल में सिर्फ 5 लोगों को अनुमति होगी। एक समय में सिर्फ 5 लोगों को अनुमति होगी। धार्मिक स्थल में थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। धार्मिक स्थल पर सैनिटाइजर उपलब्ध रहे। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सीधे निर्देश दिया है कि धार्मिक स्थल में क्या क्या करना होगा। अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अभिषेक, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को सीएम द्वारा? देखिए, 8 तारीख से यानी 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोले जाने का आदेश हुआ है और उस सिलसिले में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जो मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं या फिर मंदिरों के जो संचालन समितियां हैं, उनको कहा जा चुका है कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए उन धार्मिक स्थलों में। इसके अलावा एक बार में सिर्फ 5 लोगों की ही एंट्री होगी। ये आदेश शासन की तरह से ऐसे सभी धार्मिक स्थलों को दिया जा चुका है ताकि जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर भीड़ ना हो। अमूमन हमने देखा कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस होते हैं वहाँ पर जो डिवोटीज आते हैं, जो भक्त आते हैं, वो काफी तादाद में आते हैं, तो ये COVID-19 और कोरोना संक्रमण में खतरनाक हो सकता है। इसलिए सिर्फ 5 लोगों की एंट्री एक बार में होगी। साथ ही साथ थर्मल स्कैनिंग, मॉनिटरिंग और सैनिटाइजेशन, ये भी उन जो धार्मिक स्थलों से जुड़ी हुई जो समितियां हैं उनको इस बात को पूरी तरीके से इंश्योर करना होगा। शुक्रिया अभिषेक पांडे इस जानकारी के लिए आपका।